12 नवंबर को उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों के लिए अब एक अच्छी खबर सामने आई है। उम्मीद है कि बस कुछ पल का इंतजार और फिर टनल में फंसे 41 मजदूर सही सलामत बाहर आ जाएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब टनल के बाहर पूरी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस आकर खड़ी हो चुकी है। हमारे अभी यहाँ पर मौजूद 4 एम्बुलेंसें मौजूद है यहाँ पर अभी, और हमारी अभी 35-36 एम्बुलेंसें और उपस्थित होने वाली यहाँ पर अभी, जो कि देहरादून हरिद्वार और टिहरी से रवाना की गई है। और यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था अभी उपलब्ध नहीं है, तो सारी एम्बुलेंसों की व्यवस्था चिनाली सोड में करा दी गई है। सारी एम्बुलेंसें अभी पहले चिनाली सोड बुलाई है, तो वहाँ पर सारी एम्बुलेंसों की पहले चेकिंग होगी, जिस क्योंकि किसी भी गाड़ी में कोई दिक्कत है या परेशानी या कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, तो सारी व्यवस्थाएं वहीं से उपलब्ध करवा दी जाएगी। और जैसे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा, तो यहाँ पर 4 घंटे का टाइम दिया गया है, 4 घंटे पहले यहाँ पर सारी एम्बुलेंसें चिनाली सोड से रवाना करा दी जाएगी और यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। टोटल 40 एम्बुलेंसें सर हमारी अभी। रेस्क्यू ऑपरेशन से पहले इन एम्बुलेंस में मौजूद डॉक्टर्स को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा गया है। सबसे पहले आपको बताएंगे कि ऑक्सीजन की जो भी सुविधा इसमें दी गई है, जितनी सिलेंडर के माध्यम से है, ऑक्सीजन मास्क है, एम्बू बैग है, स्ट्रेचर है, बीपी इक्विपमेंट्स है, डिफ्लोरेटर वगैरह सारी मशीनें हैं, ग्लूकोमीटर से लेकर के सारी कुछ इसमें जितनी भी सुविधा इसमें होती है सारी अवेलेबल है। अच्छा जी, तो ये बताइए कि कितनी एम्बुलेंस यहाँ फिलहाल मौजूद है और कितनी डिमांड में और हैं और वो कहाँ से निकली हैं, कब तक यहाँ पहुँचे? वर्तमान समय में यहाँ पर जो है 4 अभी गाड़ियाँ यहाँ पर उपलब्ध हैं और 40-41 गाड़ियों की डिमांड रखी गई है, जो अदर डिस्ट्रिक्ट से जो है रवाना कर दी गई है, टेरी से कर दी गई है, देहरादून से कर दी गई है, सुनने में एक दो गाड़ियाँ हरिद्वार से भी मंगवाई गई है, और यहाँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की 15 गाड़ियाँ जो है यहाँ के लिए रवाना और हो चुकी है। कई दिनों से फंसे इन 41 मजदूरों की शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसी होगी, इसका फिलहाल अंदाजा ही लगाया जा रहा है, और यही वजह है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने पहले ही रणनीति बना ली है। इसके लिए मेडिकल टीमें गठित कर दी हैं और एम्बुलेंस को तैनात कर दिया गया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।